वो मीडिया वाले तो जो बैठे हैं जो उनको बुलवाते हैं उनको तो वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं करोड़ों के। आप हर झुकी झोपड़ी में जाइए, आदमी जो है शराब पिए पड़ा हुआ है, घर में खाने को दाने नहीं है। आप बच्चों की शक्लें देखो ना जाके। हम नेताओं की अय्याशी के लिए टैक्स नहीं देते, हम नेताओं के विमान के लिए टैक्स नहीं देते, हम मूर्तियां बनाने के लिए टैक्स नहीं देते, हम आलिशान बिल्डिंग नेताओं की बनाने के लिए टैक्स नहीं देते। कि एक बच्चे को तो एजुकेशन प्रॉपर मिल पा रही है इस देश के अंदर जिसके पास पैसा है, और जिस बच्चे के पास पैसा नहीं है उसको एजुकेशन मिल नहीं पा रही। कहां से हमारे देश में समानता की बात आ गई? नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, और इस भरी बारिश में आप सोचिए यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, अभी इन्हीं लोगों से जानेंगे। सोचिए छात्रों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, और उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले जो संघर्ष करता है वो सोचिए इस बारिश में भी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैम, क्या नाम है आपका? मैं शारदा दीक्षित हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल और ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी दिल्ली चैप्टर की जॉइंट सेक्रेटरी हूं। और हम लगातार शिक्षा को बचाने के लिए और शिक्षा की जो बदहाली सरकारों ने कर दी है और जिस तरीके से बच्चों को बर्बाद करने के लिए ये प्लान हो रही है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, उसका विरोध करने के लिए हम सड़क पर हैं। तो मैम, नई शिक्षा नीति में ऐसा क्या हो रहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया जा रहा है? देखिए, वो तो अब हमारे सामने आ गया है ना। दिल्ली सरकार जो ये दावे करती है कि उनकी विश्व स्तर की शिक्षा है, उसी शिक्षा का आप एग्जांपल देखिए कि इन्होंने सैकड़ों स्कूल मर्ज कर दिए हैं और 125 स्कूल एमसीडी ने मर्ज कर दिए हैं। एक छोटी सी दिल्ली में अगर 200 सवा 200 से ज़्यादा स्कूल मर्ज हो गए हैं तो यहाँ पर बचा क्या? ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही हो रहा है। नई शिक्षा नीति में मर्जर और क्लोजर का जो प्रोविजन 7.2 और 28 पेज पे 7.2 क्लॉज में दिया हुआ है, उसके अंतर्गत कम संख्या है जहां बच्चों की, वहां मर्जर कर दीजिए, दो स्कूलों को एक बना दीजिए या 8-10 स्कूलों का एक कैंपस बना दीजिए, वो बना दीजिए कॉम्प्लेक्स, और वहाँ पर एक टीचर से एक सब्जेक्ट का एक टीचर सारे स्कूलों में पढ़ाएगा और एक ही प्रिंसिपल काम करेगा। तो ये जो व्यवस्था है ये तो इतनी खतरनाक है कि जहाँ आबादी के साथ पैसा खर्चा बढ़ना चाहिए था सरकार का, जहाँ स्कूलों की गिनती बढ़नी चाहिए थी, वहाँ अपोजिट चल रहे हैं। इसका मतलब ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देते हुए, कमर्शलाइजेशन को बढ़ावा देते हुए शिक्षा को एक खरीदने बेचने का सामान बनाकर प्राइवेट स्कूलों को छूट दे रहे हैं। ये जो लैंड सरकारी स्कूलों के बंद करके खाली कराए जा रहे हैं, ये प्राइवेट प्लेयर्स को देने का इनका प्लान है, और स्कूल कॉम्प्लेक्स भी उसी का एक हिस्सा है। तो हम इसका विरोध नहीं करेंगे। तो दिल्ली में अभी कितने स्कूलों के बच्चों ने सड़क पर प्रदर्शन किया है? आप नेताजी नगर के बच्चे देख लीजिए, आप सिविल लाइन के बच्चे देख लीजिए, आप शक्ति नगर के बच्चे देख लीजिए। 28 अगस्त से नानकेड़ी गांव में चल रहा है प्रदर्शन है, भूख हड़ताल। तो झड़ौता कला में प्रदर्शन चल रहा है। तो हर एक जगह पर लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार दूसरी तरफ अपना कॉलर ऊंचा करके सीना चौड़ा करके कह रही है हमारी शिक्षा विश्व स्तर की है। कोई किसी तरह का कोई सवाल शिक्षा किसी भी नीति पर करे, वो शिक्षा के स्कूलों के आगे अड़ा देते। दिल्ली के स्कूल देख लीजिए जी, आप दिल्ली के स्कूल देख लीजिए। दिल्ली के स्कूलों की तो बाहर विदेशों में भी तारीफें हो रही है, क्योंकि स्विमिंग पूल भी दिए जा रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस दी जा रही है बच्चों को। दो स्कूलों में, चार स्कूलों में स्विमिंग पूल अगर बना दिए और उन पर ताला लगा दिया कि इसको यूज नहीं करेंगे, फोटो के लिए रखा हुआ है, इसी तरह से स्मार्ट क्लास फोटो के लिए बना रखी है, ओरिजिनल स्कूलों को बंद कर देंगे, स्मार्ट क्लास के फोटो खींच के विदेशों में आर्टिकल छपवा देंगे न्यूयॉर्क टाइम्स में, और टीवी पर आकर चौड़ा सीना करके कहेंगे हमने दिल्ली को विश्व स्तर का बना दिया। इसे क्या कहेंगे हम? ये तो सरासर धोखा है, इतना बड़ा धोखा। मैं कहती हूँ कि कोई चोरी कर रहा है, चोरी करके वो चुपचाप छुपा हुआ है तो उतना अपराध नहीं है। कोई चोरी कर रहा है और ये कह रहा है मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ, मेरे से बड़ा कोई सेठ नहीं है और मेरे पास इतनी दौलत है, ये काम केजरीवाल सरकार कर रही है। और जो देश में सब जगह पे 2.5-3 लाख स्कूल क्लोज हो गए, इसी तरह से मर्ज हो गए, हरियाणा में लगातार संघर्ष चल रहा है स्कूल मर्जर के खिलाफ, यूपी और इसमें एमपी में और असम में तो सारे स्कूल उठा के एनजीओ को सौंप दिए सरकारी स्कूल। तो ये चल रहा है पूरे देश में, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि दिल्ली की जनता इतनी जागरूक होते हुए भी वो इस तरीके से खामोश है।
और इस तरीके से उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है कि साथ साथ 8-8 हज़ार बच्चों का स्कूल है, 2-2 घंटे की पढ़ाई करवा के बच्चों को जमुना पार के स्कूलों में वापस घर भेज दिया जाता है और दावे किए जाते हैं कि यहाँ तो शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया है। ये हमारे पेरेंट जो आए हैं, इनके बच्चे 2 घंटे के लिए स्कूलिंग होती है उनकी, सुबह 7:30 बजे जाते हैं, 10:30 बजे वापस, 9:30 बजे वापस। लेकिन मैम झुग्गी झोपड़ी वाले जो रहने वाले हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको तो वो बच्चों को शिक्षा वो दिलवा ही नहीं सकते। कम से कम 2 घंटा तो दिया जा रहा है, उनके स्कूल की किताबें बुक्स वगैरह ये सब लोगों से मांग करके भी उनको पढ़ाने की तो कवायद तो छेड़ ही दी ना। एक बात बताइए, आपको अगर मैं कहूँ कि आपको भूख लगी है, आप ना एक बिस्किट खा लीजिए, हो गया आपका बस, और हम दावा कर दें कि हमने तो पौष्टिक आहार बांट दिया, तो क्या आप उसे खाना कहेंगे? होगा ना, शिक्षा जो है मतलब उसको जब हमें किताब दुनिया भर की पढ़ी, जब हमें नॉलेज ही नहीं कि इसमें इस सब से मतलब कि क्या होगा उत्तर, तो हम ऐसे किताब को हम प्राप्त करके क्या करेंगे? जब शिक्षक नहीं हमें पढ़ाएंगे सिखाएंगे तो हमें अकल कहाँ से आएगी अपने आप में, कहाँ से हम पढ़ पाएंगे? पढ़ाने के लिए झुग्गी झोपड़ी में ऐसे स्कूल्स खोले हैं ना, छोटे छोटे ऐसे क्लासेस दी जा रही हैं, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। वो सब एक छोटी मोटी जो है ना, एक शांत रखने के लिए जो है, वो खुल करके मतलब कि अपनी हक का नहीं लड़ाई लड़े, लेकिन वो है उनको एक शांत रखने के लिए वो मुहिम चलाए हैं। शांत रखने के लिए मुहिम चलाई और क्या, संघर्ष में ना उतरे बच्चे, सब बच्चे और पेरेंट्स संघर्ष में ना उतरे, गुमराह कर रहे हैं। वहाँ टॉफी बांट दिए, बिस्किट बांट दिए, एक टीचर को बिठा दिया, भीमराव अम्बेडकर का फोटो लगा कर विचार लगा करके, और चाहे भगत सिंह का, इनके सचमुच में विचार अगर लागू होते केजरीवाल के, तो आज ये इस स्थिति में जो है निजीकरण का जो है ये मतलब कि नहीं लागू करते, उनके विचारों आदर्शों पे चलते। ये सिर्फ ये भगत सिंह का नाम लेकर के फोटो लेकर के ये हथियार बना करके तो कहते हैं कि बाबा साहब की जो है राह पर चल रहे हैं, बाबा साहब के राह पर क्या चल रहे हैं, उनका क्या मतलब कि था मकसद, मतलब लोगों को शिक्षित करना, लोगों को मूलभूत अधिकार प्राप्त करवाना, क्या उनके पास में है ये नीति? अगर रहता तो ये शिक्षा से क्यों मतलब कि लोगों को मर्ज करके और क्लोजर करके जो मतलब कि काम कर रहे हैं पर्दे के पीछे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विपिन कुमार है। कहाँ से आए आप? जी मैं ऐसे रहता हूँ दिल्ली में, लेकिन मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो आप सरकारी में ही पढ़ते हैं, ये पेरेंट्स हैं, और ये पेरेंट्स जमुना पार के स्कूलों की वो दशा झेल रहे हैं जहाँ आप 2-2 घंटे के स्कूलों की हम अभी बात कर रहे थे, वहाँ पर बच्चे 7,000-8,000 हैं। अरे शर्म करो, 850 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हो तुम, 100-200 करोड़ रुपए नए स्कूल बनाने पे खर्च कर दो और टीचर अपॉइंट करने पे खर्च कर दो, और उसके बावजूद भी तुम दावे मत करो ना कि हमने तो शिक्षा को विश्व स्तर का बना दिया। 2 घंटे की स्कूलिंग का आप सोचिए, बच्चा तैयार हो गया 1/2 घंटे में, बच्चा 1 घंटे में तैयार होता है, स्कूल जाता है और उसके बाद बैग उठा के घर वापस। एक अपने पेरेंट्स से ये बता रहे हैं और हम खुद जाकर देखे हैं। मनीष सिसोदिया तो चैलेंज कर रहे हैं, बैठकर सामने बोलते हैं मीडिया के कि भाई स्कूलों का आप दौरा कर लीजिए, आप देख लीजिए इतने बढ़िया हमने स्कूल बनाए हैं, उसमें हम मनीष सिसोदिया जी को चैलेंज करते हैं, हम पेरेंट्स सब चैलेंज करते हैं कि वो आए और हमारे से बात करें, हम दिखाएंगे जो जो बच्चे फेस कर रहे हैं, जो बच्चे सफर कर रहे हैं वो बताएंगे ना मनीष सिसोदिया को। वो मीडिया वाले तो जो बैठे हैं, जो उनको बुलवाते हैं, उनको तो वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं करोड़ों के, उनकी तो रोटी रोजी चल रही है, लेकिन आप जैसे या दूसरे जो सोशल मीडिया के चैनल हैं वो इस बात को एक्सपोज करें कि भाई ये झूठ है, फरेब है, धोखा है, ये ऐसा नहीं है जैसा ये बता रहे हैं, इस बात को जनता के बीच में लेकर जाए और जनता उनसे सवाल पूछे। मीडिया वाले सवाल नहीं पूछते हैं क्योंकि एक दूसरे की गालियां देने का काम ये उस पर करते हैं, टीवी पे करते हैं, लेकिन अंदर खाने जो बीजेपी ने पॉलिसी बनाई उसको सबसे पहले केजरीवाल लागू करता है, चाहे वो CNRC की बात हो, चाहे वो किसान बिलों की बात हो, सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी करता है। टीम है क्या केजरीवाल की? बिल्कुल 100% और उससे आगे छलांग लगाता है, वो जय श्री राम बोले तो ये जय हनुमान बोल के वहाँ पर जाकर हनुमान के उसमें माथा टिकाते हैं। तो ये आपत्ति क्या है अगर भगवान के जय श्री राम के नारे लग जाते हैं, हनुमान के नारे लग जाते हैं? देखिए आपत्ति ये है कि हमारे बच्चों के स्कूल बंद करके ये मंदिरों में उन्हें भिखारी ना बनाएं। भिखारी बनाने के लिए हमारे बच्चे नहीं है, हमारे बच्चों को अगर पढ़ाई करनी है, अगर हमारे बच्चों को सच्चा इंसान बनाना है तो वैज्ञानिक डेमोक्रेटिक जनवादी शिक्षा और निशुल्क शिक्षा और हर एक बच्चे को शिक्षा उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको लेकर हम आज सड़क पर हैं। ये जो मंदिर मस्जिद की लड़ाई में शिक्षा के मुद्दों को, रोजगार के मुद्दों को, महंगाई के मुद्दों को उलझाने की साजिश ये सरकारें कर रही हैं, सब एक है इसमें। क्या किसी कांग्रेस वाले को या किसी और पार्टी वाले को इसके विरोध में सड़क पर देख रहे हैं आप? कोई नहीं उतर रहा। भारत जोड़ो, भारत को तो जोड़ रहे हैं ना कांग्रेस, राहुल गांधी।
भारत जोड़ रहे हैं लेकिन अपनी पार्टी बचा रहे हैं, लेकिन जोड़ नहीं रहे वो। लेकिन शिक्षा को बचाए बिना ना भारत बचेगा, ना कांग्रेस बचेगी, ना जनता बचेगी, ना देश बचेगा, ना समाज बचेगा। हम उस शिक्षा को बचाने के लिए लगातार मुहिम चला रहे हैं, संघर्ष में हैं। और आज इस बारिश के बावजूद भी हमारे कुछ साथी देखिए कहाँ कहाँ दूर दराज से आ रहे हैं, एक एक दिल्ली के दूसरे कोने से यहाँ पर आए हैं। तो इन लोगों का जज्बा देखिए, इन लोगों की लड़ाई की ताकत देखिए कि ये किसी भी बारिश धूप आंधी तूफान से पीछे हटने वाले नहीं है, लगातार संघर्ष में है और इन सरकारों को लगातार सवालों के कटघरे में खड़ा करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूल सिंह है और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। जी सरकारी, जी मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूँ, सरकारी के बच्चों को, जिन बच्चों को कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाता है कि जी आप वीक हैं और आप कुछ कर नहीं सकते, आगे पढ़ नहीं सकते, लेकिन वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं कि मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो पिछले 5-6 महीने से मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। उन बच्चों का कहना है कि सर हमको ब्लैक बोर्ड पर कुछ समझ में नहीं आता, ना मैम सही से पढ़ाती हैं और ना ही समझाती हैं, सिर्फ और सिर्फ धमका के चुप बैठा देती हैं। तो मैं ये पूछता हूँ कि जो इन लोगों ने बाहर से हमारे कुछ नेता कुछ टीचर भेजे थे ट्रेनिंग के लिए, तो वो कहाँ गए जो ट्रेनिंग लेके आए थे? तो हिंदुस्तान के हिंदी भाषी लोगों को इंग्लिश वालों से ट्रेनिंग लेके तुम क्या पढ़ा रहे हो? करोड़ों रुपए ट्रेनिंग पे, उस ट्रेनिंग पे सिर्फ बर्बादी हुई। और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ किताबें पढ़ने से सीखते, उस शिक्षा मतलब किताबों से नहीं मिलती है, शिक्षा आदमी से मिलती है, उस इंसान से मिलती है जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आज केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, तो ये जहां खड़े हो जाएंगे जो काम करेंगे वो काम अच्छा होगा। आप इस शिक्षा से जोड़ के देखेंगे ना, तो इस चीज में हर तरह से शिक्षा को जोड़ा जा सकता है। कैसे? जैसे शराब की पॉलिसी थी, उसमें एक शराब की बोतल के साथ 3 शराब की बोतल आपको फ्री मिल रही हैं, तो आप क्या दे रहे हो? इससे क्या मैसेज जा रहा? मतलब आप शराब को प्रमोट कर रहे हो, इसका मतलब आप उसके क्या हो? स्कूलों को आप बंद कर रहे हो और शराब को प्रमोट कर रहे हो। भाई आप पहले एक बोतल पीते थे, बहुत पहले से भी आप सुनो बात ये नहीं है कि आप एक बोतल पी रहा था बंदा, अब वो 3 बोतल उसको मिल रही है, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है खराब हो रहा है? आप बताइए कि जो ज्यादा पिएगा, इसकी जगह आप राशन बढ़ाते, उसके लिए किसी ने मना नहीं किया? तो दे रहे हैं ना, बात राशन की नहीं, एक बोतल की जगह 3 बोतल क्यों मिल रही है ये बताओ ना आप, कि एक बोतल से स्कूल की जगह 3 स्कूल खोल दो ना, 3 स्कूल खोलो। हाँ एक भाई शराब की बोतल 3 करने की जगह एक स्कूल के साथ कहो 3 स्कूल खोलते हैं हम। भाई एक क्लास में 10-10 बच्चे बैठो तब तो हम माने केजरीवाल बहुत अच्छे हैं। और मैं तो जो है पूरा आशीर्वाद देती हूँ इनके पूरे वंशावली जो है शराब में लिप्त हो जाए, और मैं जो है ना इनको फ्री में दूंगी, आए इनका बेटा और बेटी रोज के जो है हर महीने के 10 बोतल पहुँचाती हूँ मैं, ठीक है? और दूसरी उनके बच्चों हमें हमारे बच्चों को ना दे, ये हमारे बच्चों को ना दे, मैं इनके बच्चों को जो है 10 बोतलें दूंगी, लेकिन हमारा पिंड छोड़ दो, हमारा पिंड छोड़ दो, ठीक है? पकड़ा हुआ है उन्होंने, क्यों नहीं पकड़ा हुआ? आप हर झुग्गी झोपड़ी में जाइए, आदमी जो है शराब पिए पड़ा हुआ है, घर में खाने को दाने नहीं है। आप बच्चों की शक्लें देखो ना जाके, शक्लों से नहीं पता चलता आपको, एक तो मोटा ताजा बिल्कुल हट्टा कट्टा, और एक बच्चा जो है ना कूड़े में पड़ी हुई रोटी भी उठा के खा रहा है। तो ये अंतर किस लिए समझ में आ रहा है? समझ नहीं आ रहा, जब बाप जो है शराब पिएगा और माँ को पीट के जो है उसकी मजदूरी छीन लेगा, तो बच्चे तो निर्बल कमजोर दुर्बल ही पैदा होंगे ना। तो ये तो शराब नीति, तो शराब तो बहुत पहले से मदिरा बेची जा रही है। देखिए पहले महिलाओं को सुनिए, पहले महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो अब मैं ये कहूँ कि नहीं महिलाएं बिल्कुल नहीं पढ़ेंगी? आप कहोगे कि पहले भी तो महिलाओं को नहीं पढ़ने दिया जा रहा, अब कौन सी नई बात कर रहे हो आप? तो गलत चीज को रोकना चाहिए या बढ़ाना चाहिए? नहीं, शराब अच्छी चीज है या बुरी चीज है सबसे पहले तो आप ये बताइए। तो हम अगर जो बढ़ावा दे रहा है, कम तो कर नहीं रहा, बढ़ावा दे रहा है तो गलत है वो। या तो तू बढ़ावा मत दे कि भाई मैं रोक नहीं सकता तो मैं बढ़ावा भी ना दूं, ठीक है? लेकिन स्कूल्स पे तो खर्चा कर रहे हैं ना, इतना दिखा रहे हैं, इतना करोड़ों का वहाँ पे एसी लग रही है, किसी क्लासेस में कभी एसी लगी हुई देखी? जब आप अपनी दुकान खोलेंगी, तो सैंपल के तौर पे कुछ प्रोडक्ट तो रखोगी ना आप सैंपल के तौर पे? भाई अगर जनता को बेवकूफ बनाना है तो कुछ प्रोडक्ट तो डिस्प्ले सेंटर में लगाओगे या नहीं लगाओगे? और जो डिस्प्ले का मॉडल होता है वो परफेक्ट वन होता है, और बाकी गोडाउन में क्या पड़ा हुआ है चेपते रहते हैं। तो ये वही सीन हो रहा है केजरीवाल का, आप हमारे यहाँ जाओ, पूरा पूरा लाला आदमी है जी, कैसे माल बेचना है बनिया बता, पूरा लालागिरी दिखा रखी है जी, और कुछ नहीं है, महंगा महंगा आइटम दिखा के लोगों को जा रहा है। हाँ सेल में जो है ना 100 रुपए की चीज, सेल में 150 रुपए की, 150 रुपए की चीज, 200 रुपए की चीज
कर दी, कह रहे जी देखो 50% सेल का वो जो है ना हमने आपको वो दे दी, और जनता सेल देख के जो है भागी भागी फिरती है। वही 100 रुपए की चीज अगर वो लेने जाती तो मैं 90 में तोड़वाती। बिजली पानी भी तो उन्होंने देखो सस्ता किया है। देखिए बिजली पानी की जो मैं पॉलिसी, बिजली पानी की पॉलिसी अगर आप देखेंगे, सुनिए सबसे बड़ा बयान करते हैं, प्रूफ होते हैं डाटा। आप सरकारी डाटा निकालो कि 2024 से पहले बिजली डिपार्टमेंट में कितना जो है फंड जो है सरकार दे रही थी और कितना जनता से आ रहा था। जब तक आप कंपैरिजन नहीं करोगे, केजरीवाल ने मुझे तो फ्री दे दी, लेकिन जनता का जो टैक्स का पैसा है वो बिजली वाले को जो है ना दे दिया कि भाई तू चिंता मत कर, तेरी फंडिंग मैं पूरी रखूंगा। तो जनता का पैसा जहां स्कूल खोलने में, जहां हॉस्पिटल खोलने में, जहां यूनिवर्सिटी बनाने में लग रहा था, वो जो है थोड़ी सी बिजली पानी जो है गरीबों के झुग्गी में कितनी बिजली लगती है हमारे, देखो ना हर फ्लोर पर 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं। ठीक है, ये तो इधर से उधर एडजस्ट दे दो, इधर से इधर एडजस्ट करने वाली बात है जी। आप सारा डाटा लेके बैठो तो पता चलेगा, माथा पीट लोगे, ओ बहुत बड़ी लाला गिरी है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो आपका जो सब्सिडी दी गई है, इससे पहले यदि आप यदि जाएंगे कि 2014 के चुनाव में, तो उस टाइम क्या था, ऑडिट करने की बात हुई थी कि हम बिजली कंपनियों की ऑडिट करेंगे, और ऑडिट करने के बाद जो आएगा उसे जो है कि रेट जो है वो आधे से कम हो जाएंगे, तो रेट कम करने की बात थी। अब लोगों को जो ये देखिए बरगलाने के लिए कि डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने सब्सिडी स्कीम स्टार्ट कर दी कि भाई वो जो हमारी मांग है वो तो हम पूरी नहीं कर सकते, ऑडिट करा करके जो जो बिजली कंपनियों का जो धांधली है उसको ख़त्म नहीं कर सकते। होता क्या है कि कंपनियां क्या करती हैं, अपने नीचे सब्सिडी बनाती हैं। एक्चुअल में कॉस्ट आ रही है किसी चीज़ की, मतलब कि जो है कि 20,000 रुपये, लेकिन कंपनियां क्या करती हैं, अपनी ही सब्सिडी कंपनी को उसका ठेका देती हैं और वो उसकी कॉस्ट दिखाती हैं 120,000 की जगह 100,000 रुपए दिखाती हैं, और इस तरह से जो है कंपनियों को घाटे में लेके आती हैं। तो बिजली कंपनियों के अंदर इस तरह का घपला चलता था, और इस तरह के कई घपले मैंने पता किए हैं कि NDPL और ये BSES के अंदर, कि एक्चुअल में जिस प्रोजेक्ट को बनाने की लागत जो है 10 लाख की है वो 1 करोड़ की दिखा रखी है। तो ये ऑडिट की जाती है तो कॉस्ट कम आती, अब कॉस्ट के ऊपर मार्जिन के रूप में बिजली का प्राइस था तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाता, जो 1 लाख रुपए का उनको खर्चा दिखा रहे हैं वहां पे 20,000 में काम हो जाएगा, तो आपका प्राइस जो है 5 गुना कम हो जाता है। सरकार ने क्या किया, जब सत्ता में आ गई तो वो ऑडिट भूल गई, और उसने क्या किया कि भाई सब्सिडी दे दो, लोग भी जो है उस सब्सिडी के अंदर भूल गए, वो ऑडिट वाली सब्सिडी भी घपला है। सब्सिडी घपला इस तरह से है कि वो जनता से लेकर ही जनता को, मतलब कि जो कंपनियों को दिया जा रहा है। तो ये है कि मतलब कि इस तरह का है। एक्चुअल में जरूरत क्या है कि जहां पर जरूरत है, नहीं कई जगहों पर यदि आपको जरूरत है, बहुत ही पुअर सेक्शन है वहाँ पे जरूरत है, सब्सिडी होनी चाहिए। अभी मैम ने कहा कि हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए, तो मोहल्ला क्लिनिक तो दे रहे हैं ना, उसमें दवाइयां। देखो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर एक पैरासिटामोल की गोली, ठीक है ना, और एक जो है कि आपका टेम्परेचर नोट कर लेना या बाकी सब चीज़ों से इलाज नहीं हो जाता है। इलाज के लिए आपको पूरा डॉक्टर और पूरी आपको उसकी टीम चाहिए। तो मोहल्ला क्लिनिक आपका सिर्फ एक सेफ्टी वॉल है, एक दिखावा है, एक जो है आपका क्या है कि हॉस्पिटल का सब्स्टिट्यूट है। हम एक बार के लिए थोड़ा सा एजुकेशन, एक मिनट के लिए हम एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि आज का काम जो आंदोलन है, आप यदि आप इसके ऊपर बात करना चाहती हैं पूरी तफसीस के साथ, हम डिटेल में बात करने के लिए तैयार हैं, हर मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज इस मुद्दे के ऊपर बात करें तो हम थोड़ा सा आपका पोल खोल कर दें इस मुद्दे के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर आए तो इस मुद्दे के ऊपर सबसे पहली बात की ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने की बात करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट GDP का महज 1.5%, ठीक है 1.5% ही एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रही है, जबकि आपका कोठारी की कमीशन की रिकमेंडेशन थी 6% की, राइट। आज की डेट के अंदर जो जरूरत है 9% की, जो हमारा जेंडर डिविडेंड है उसके हिसाब से 9% की जरूरत है, तो 1.5% जो है वो स्टेट GDP का खर्च हो रहा है, इसी से पता चल जाता है। दूसरी चीज़, ये फिनलैंड जाते हैं अपने शिक्षकों को ट्रेनिंग करने के लिए, फिनलैंड के अंदर हर लेवल के ऊपर इंक्लूजन होता है, यानी कि गरीब और अमीर इनका इंक्लूजन होगा, राइट, गरीब और अमीर का इंक्लूजन होगा, हर जाति और धर्म का इंक्लूजन होगा, राइट, रेशियल इंक्लूजन होगा, हर लेवल के ऊपर इंक्लूजन होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे देश के अंदर क्या है कि आप साफ देख रहे हो कि जो गरीब लोग हैं, जैसे आपने ही कहा,
आप ही के वर्ड को मैं लेता हूँ कि सरकारी स्कूल में जाता कौन है, झुग्गी झोपड़ी वालों को, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और प्राइवेट स्कूल में कौन जाता है, जो आपके अफसर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में। तो दोहरा स्टैंडर्ड तो यहाँ है, फिनलैंड से सीख के आए क्या हो, फिनलैंड के ऊपर सिखाने के लिए पैसा वर खर्च किया है, अरे फिनलैंड में जो सीख के आए हो मैं सिखा देता हूँ यहीं पे, ठीक है ना, इंक्लूजन लेके आओ ना, आए क्यों, मैं बताता हूँ कि फिनलैंड में किस तरह का, किस लेवल का इंक्लूजन होता है, राइट। वहाँ पर कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, वहाँ पर जनता कहती है कि हम टैक्स इसलिए दे रहे हैं ताकि सरकार हमको फ्री जो आप एजुकेशन और फ्री हेल्थ सर्विसेज दे, पूरी कंप्लीट हेल्थ सर्विसेज दे। तो इन दो चीजों की कम से कम वहां पर सिक्योरिटी है। हमारे यहाँ पर जो तो लगातार आरोप लगते हैं कि फ्री की नीति नहीं, फ्री की नीति, फ्री की नहीं, नहीं नहीं नहीं, फ्री की नीति का कर करके एक्चुअल में जनता, ये जो पॉलिटिक्स है, जो सत्ता और विपक्ष की जो पॉलिटिक्स है, एक्चुअल में जो हकीकत में जहाँ पर फ्री, हम टैक्स किस लिए दे रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं ताकि हमारे को बच्चों को, हम एक रूप से वो फीस दे रहे हैं टैक्स के रूप में कि हमारे बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले, क्योंकि एक बच्चे को जब क्वालिटी एजुकेशन मिलती है तो उस केस में वो बच्चा ही लाभान्वित नहीं होता, पूरा समाज लाभान्वित होता है। आज आप यहाँ पर खड़े होकर मुझसे सवाल कर रहे हो, यदि आपको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो क्या आप कर पाते ये सवाल? दूसरी चीज है, आपके माध्यम से, आपकी जो चैनल के माध्यम से समाज को जो बेनिफिट मिल रहा है, क्या आप वो समाज को बेनिफिट दे पाते? यानी कि आपके एजुकेशन सिर्फ आप बेनिफिटेड नहीं हुए हो, आपका पूरा समाज बेनिफिटेड हो रहा है। तो इसलिए हम टैक्स दे रहे हैं ताकि हमको एजुकेशन मिले। तो ये कलेक्टिव कंजम्पशन होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, कि एक होता है इंडिविजुअल कंजम्पशन कि आपको भूख लगी है, दुकान पे गए हो, ब्रेड खरीदा, खा लिया। एक होता है कि हम जो मिलकर के खाते हैं, एजुकेशन हमारा कलेक्टिव कंजम्पशन का पार्ट है, हेल्थ हमारा कलेक्टिव कंजम्पशन की जरूरत है। तो इस कलेक्टिव कंजम्पशन के लिए हम टैक्स देते हैं। हम नेताओं की अयासी के लिए टैक्स नहीं देते, हम नेताओं के विमान के लिए टैक्स नहीं देते, हम मूर्तियां बनाने के लिए टैक्स नहीं देते, हम आलिशान बिल्डिंग नेताओं की बनाने के लिए टैक्स नहीं देते, हम जनता को हेल्थ की सर्विसेज मिले, जो शिक्षा की, मतलब कि आपका शिक्षा की सर्विसेज मिले, इसलिए टैक्स देते हैं। हाँ, जहां पर जरूरत है, पुअरर सेक्शन है, जहां पर जो है कि जरूरत है, यदि एक लिमिट तक यदि उसको सब्सिडाइज तौर पर बिजली मिलती है, या महिलाओं को यदि सब्सिडाइज तौर पर आने जाने की सुविधा मिलती है, तो वो भी कोई गलत नहीं है। लेकिन इन सही के आड़ के अंदर इतने बड़े गलत को जो एजुकेशन के फील्ड में किया जा रहा है, इसको छुपाया नहीं जा सकता। अब क्या है आप लोगों के? अब मैं आपको दूसरी चीज, आपने ये बात कही कि भाई सरकारी स्कूल के अंदर जो है झुग्गी झोपड़ी वाले जाते हैं। सबसे पहली चीज, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने ये कहा कि झुग्गी झोपड़ी वाले जो हैं उनके लिए उन्होंने छोटे मोटे शिक्षा के लिए खोला है, और उनको खाने पीने का मिलता है, 2 घंटे की क्लासेस और शिक्षा दी जाती है, और जिसके लिए पुरानी किताबें भी जुटाई जाती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। सबसे पहले जो है कि मैं ये कहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े जाने की जरूरत है, आप ही को नहीं, वो सभी लोग जो इस भ्रम के शिकार हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन समानता की बात करता है, हर लेवल के ऊपर, कि नस्ल के भेद के, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। यानी कि एजुकेशन जो स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, उस पॉलिसी के आधार पर झुग्गी झोपड़ी वाले के लिए अलग एजुकेशन और टाटा बिरला के लिए अलग एजुकेशन नहीं होगी। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गाइड करता है। अब एक मिनट, सरकारी स्कूल में यही तो समानता को बराबर कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, असमानता बना रहे हैं, असमानता बना रहे हैं। हमारा जो जो एजुकेशन का जो जो है कि रेशियो जो डिटरमाइन किया गया, वो 1:40 एक जैसा स्तर होना चाहिए। आपका 1:40 का स्तर है, 1:40 के स्तर को कितना क्लासेस के अंदर फॉलो किया गया, कि एक क्लास के अंदर 40 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। यहाँ पर दिल्ली के अंदर एक क्लास के अंदर 150-150, 200-200 बच्चे हैं। तो ये कहाँ से समानता, कि एक बच्चे को तो एजुकेशन प्रॉपर मिल पा रही है इस देश के अंदर जिसके पास पैसा है, और जिस बच्चे के पास पैसा नहीं है उसको एजुकेशन मिल नहीं पा रही, कहाँ से हमारे देश में समानता की बात आ गई? और जहाँ तक भीमराव अम्बेडकर की बात की, तो भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया था, उसके अंदर जो एजुकेशन पहले ही आपका फंडामेंटल राइट का पार्ट था, राइट, उसको 45 में बाद में भेजा गया है। वो संविधान जो है कि वो एक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, कब बने, फर्स्ट ड्राफ्ट बनने के बाद उन्होंने बिल ऑफ राइट दिया था, वो लागू नहीं हुआ। ठीक है, जो कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है इस संविधान के निर्माता है, वो मुझसे बात करें, मैं बताऊंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कितने जो जो सुझाव हैं वो इस संविधान के अंदर लागू नहीं है। उसके अंदर एजुकेशन भी एक सबसे बड़ा है,
क्वालिटी एजुकेशन, सबको समान एजुकेशन को उन्होंने फंडामेंटल राइट में रखा था, उसको जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा था, लेकिन इतनी कृपा की थी कि एक क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई थी, उसका एक लंबा चौड़ा घपड़ा है जिस घपले के तहत जो है ये सारी चीजें बिगड़ी हैं। और आज की ये बताइए ऑप्शन क्या है अब आज की डेट के अंदर जो है कि हमारे स्कूलों के अंदर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है, जैसा मैंने बताया कि सोनिया विहार के स्कूल के अंदर और ऐसे ही अनेकों स्कूल के अंदर जो है कि जहां पर जो है कि संख्या जो है 10,000 को क्रॉस कर गई है, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से स्कूल नहीं बढ़ रहे, मजदूर आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बस रहे हैं दिल्ली के अंदर, हाँ दिल्ली का निर्माण हो रहा है, सड़कें बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, सब कुछ बन रहा है, लेकिन उन मजदूरों के बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही है। हमारा संविधान कहता है कि समान एजुकेशन की बात कर रहा है, तो ये जो है कि ये चीज़ें नहीं बंद होनी चाहिए। एक या तो चोरी करो नहीं, एक तो चोरी करते हो, दूसरे आपको अपने आप को पुलिस प्रूफ करते हो, ठीक है ना, एक तो चोरी करते हो, एजुकेशन की चोरी करते हो, जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के भ्रम में है। आइए मैं लेकर चलता हूँ आपको दिल्ली के स्कूलों के अंदर, ठीक है, वो बताएंगे कि हम दिखाएंगे कि एक्चुअल में एजुकेशन ऑप्शन क्या है अब आपके पास। ऑप्शन ये है कि नंबर ऑफ स्कूल बढ़ाए जाए, क्लोजिंग और मर्जिंग बंद की जाए, तभी जाके ये जो समस्या है सॉल्व हो सकती है। नंबर ऑफ स्कूल 24 में भी जो है केजरीवाल जी आ रहे हैं, जो आपका हाँ दौरा हो रहा है गुजरात में, 24 में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इससे हमें कोई लेना नहीं देना नहीं है, ठीक है ना। हमारा तो है, हम एक जनता हैं और जनता की आवाज, चाहे वो केजरीवाल आए, चाहे वो फेजरीवाल आए या फर्जीवाल आए, फर्जीवाल बता दिया एक हाँ, तो, नहीं मैंने मैंने फर्जीवाल मैंने केजरीवाल को नहीं बताया, मैंने कि या केजरीवाल आए या फेजरीवाल आए या फर्जीवाल आए या डेली वाला है या डालमिया वाला है या अंडानी वाला है, ठीक है, कोई भी वाला है, हम जनता हैं और जनता अपने अधिकार के लिए सड़कों पे उतर करके इस भरी बरसात के अंदर जैसे आज खड़ी है वैसे खड़े होकर जनता के हक की आवाज, संविधान की आवाज, संविधान को पढ़ाएंगे। संविधान का आर्टिकल जो है 14 क्या कहता है, संविधान का आर्टिकल 15 क्या कहता है, हम ये पढ़ाएंगे। हमारा संविधान जेल हो जाएगी, आपको जेल हो जाएगी। राजेंद्र पाल गौतम जी अगर 22 प्रतिज्ञाएं बता रहे थे अंबेडकर की, तो देखिए उनके ऊपर FIR होगी, आपको भी जेल हो जाएगी। कोई बात नहीं, जेल भी होगी तो हम शान से जेल जाएंगे, शान से जेल चले जाएंगे, जी बिल्कुल जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विनी कुमार है जी। पढ़ाते हैं? हाँ जी, मैं शिक्षक हूँ। तो ये देखिए कि यहाँ भरी बरसात में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लोगों के बच्चों के जो साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, केजरीवाल जो लगातार बता रहे हैं स्मार्ट क्लासेस बनाई जा रही हैं, AC दी जा रही है, मगर उसके पीछे का जो काला सच है वो ये है कि ये देखिए किस तरीके से शिक्षा नीति पर वार किया जा रहा है, कि एक ही स्कूलों को काफ़ी स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है और उनको ख़त्म किया जा रहा है। तो सोचिए कि जिस तरीके से गरीब का बच्चा है, पिछड़े समाज से आने वाला बच्चा है, वंचित समाज से आने वाला बच्चा है, तो उसके लिए शिक्षा की क्या रणनीतियाँ रहेंगी, उसके लिए शिक्षा किस हद तक महंगी नहीं होगी और किस हद तक वो शिक्षा ले पाएगा, ये आप देखिए कि किस तरीके का खेल किया जा रहा है केजरीवाल सरकार के द्वारा। इन्हीं लोगों से अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से काला जो सच छुपाया जा रहा है, सच को छुपाया जा रहा है, और उसके सामने जो सजावट की जा रही है और भरे भरे सामान दिखाए जा रहे हैं दुकान में, जिस तरीके से मैडम ने बताया कि एक दुकान है और उसमें बहुत कीमती सामान रख दिए जाते हैं जिससे कि लोग आकर्षित होकर वहां पर दौड़ेंगे, तो वो आकर्षण का केंद्र बनाया हुआ है। जिस तरीके की हैप्पीनेस क्लासेस दी जा रही हैं, तो उस देखिए कि हैप्पीनेस क्लासेस किस तरीके की दी जा रही हैं और किस तरीके की शिक्षा देकर बच्चों को बरगलाया जा रहा है और बच्चों के साथ किस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है, जिसमें शोषित पीड़ित और वंचित समाज कहीं दूर दूर तक खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता, एक हाशिए पर पहुंच चुका है। सोचिए जो समाज अपने बच्चों को मजदूरी कर पढ़ाने की कोशिश करता है तो वो कहां तक पढ़ा पाएगा। तो इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।